हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे? आई होप करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग को जितने भी डाउट्स हैं हिमलैंड्स को लेकर, आज की वीडियो में आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में बताऊँगा एजीओ भाई डार्क एंटिटी और होगा लोगों को एस्केप करवा सकते हैं मेरे थ्योरी के हिसाब से। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। और ये रहे पाँच बंदे, मैं आज की वीडियो में इन्हें शाउट आउट देता हूँ। अगर आपको भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो जल्दी से जाओ यार, फॉलो कर दो यार। आप तो फॉलो नहीं करते तो मैं शाउट आउट भी देते नहीं बनता, तो जाओ यार जल्दी से फॉलो कर देना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, और चैनल पर ना दो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो हम लोग बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि है ड्रीम बॉय की वीडियो कब आने वाला है। तो इसका तो मैं आप लोग को एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, बट आप लोग को दो तीन रीज़न दे सकता हूँ जिसकी वजह से नहीं आ सकता। सो पहला रीज़न है, आप लोग को पता होगा इसका, हीरो ब्राइम कैप्चर हो चुका, जिसकी वजह से हीरो ब्राइम को ढूंढने के लिए आप लोग स्टोरी लेने अभी आगे नहीं गए होगा, जिसकी वजह से अभी वीडियो नहीं आ रहा होगा। पर आप लोग टेंशन मत लो, दो से तीन दिन के बाद हिमलैंड्स की वीडियो आ जाएगी ड्रीम बॉय के चैनल पे। और काफ़ी सारे बंदे मुझे कमेंट करके ये बोलेंगे, अरे भाई तू तो ड्रीम बॉय की वीडियो को बता रहा है, स्मार्टी बॉय की वीडियो को भी बता दे कब आने वाला है। तो मैं आप लोग को इसका भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, बट आप लोग को मैं सजेशन दे सकता हूँ, शायद तक सैटरडे या फिर संडे को एग्जैक्ट आ सकता है वीडियो मेरे ख्याल से। क्योंकि आप लोग को पता होगा स्मार्टी बॉय का वीडियो हमेशा एक वीक के अंदर आ जाता है, बट आप लोग को पता ही होगा एपिसोड 8 थोड़े दिन लग गया था, मतलब कि वही करीबन 9 दिन लग गए थे आने में, तो मेरे ख्याल से तो सैटरडे को आ जाएगा। तो चलो हम लोग अपना दूसरा टॉपिक ऊपर चलते हैं। तो काफी सारे बंदों का क्वेश्चन ये होगा कि ड्रीम बॉय अपना हीरो ब्राइम को कैसे वापस ला सकते हैं। तो इसके ऊपर दो थ्योरीज, मैं आपको सच नहीं बता सकता बट मैं आप लोग को थ्योरी बता सकता हूँ जिसकी मदद से ड्रीम बॉय अपने हीरो ब्राइम को इजिली ला सकता है। सो गाइस, पहला तरीका आप लोग को पता होगा, जो लाइब्रेरियन था उसने एक पोर्टल बनाया था जो कि सीधा कनेक्ट करता था डार्क हिमलैंड के अंदर, मतलब कि डार्क हिमलैंड में उसे कैप्चर भी किया है एजियो भाई ने। तो मेरे ख्याल से फिर से ड्रीम बॉय जा सकते हैं उस पोर्टल के थ्रू डार्क हिमलैंड्स के अंदर, और अपना ड्रीम मतलब अपना हीरो प्राइम को वहाँ से ढूंढने में लग सकते हैं। और आपको पता ही होगा ड्रीम बॉय के पास काफ़ी अच्छा तगड़ा आर्मर है और काफ़ी अच्छा वेपन है जिसकी मदद से फाइट इजीली कर सकता है। देख सकते हो सात सात हार्ट ले जा रहा था स्मार्टी भाई का, तो मेरे ख्याल से तो फाइट करके उसे इजीली ला सकता है। और दूसरा थ्योरी ये है कि जो कि आपको पता होगा टाइम मशीन, अपना टाइम ट्रैवल करके अपना टाइम को पास्ट में ले जाके वहाँ से अपने हीरो प्राइम को बचा सकता है मेरे ख्याल से। दूसरा ये ऑप्शन है, आप लोग को दोनों में से कौन अच्छा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ड्रीम बॉय टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, बट आपको प्रॉब्लम ये कि टाइम मशीन तो टूट चुका है, पर प्रॉब्लम ये कि ये ड्रीम बॉय ने तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया टाइम मशीन को, तो मतलब अपने पास्ट में भी नहीं जा सकते और उसे यूज़ करना भी नहीं आता था। पर ये चीज़ के लिए स्मार्टी भाई का मदद ले सकते हैं, स्मार्टी भाई कुछ ना कुछ करके वो उसे अपना टाइम मशीन ठीक कर सकता है मेरे ख्याल से। तो वैसे ये तो मेरी थ्योरी थी, कैसा लग मुझे कमेंट करके बता देना। मेरे ख्याल से ड्रीम बॉय दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चॉइस कर सकता है। एंड गाइस, चलो हम लोग अपना लास्ट टॉपिक ऊपर बढ़ते हैं जिसके लिए आप लोग अभी तक वीडियो में वेट कर रहे हो। तो गाइस, क्या एजियो भाई सच में डार्क एंटिटी और होगा लालो को स्केप करवा सकते हैं? तो गाइस, आप लोगों ने एजियो भाई की रिसेंट वाली वीडियो में देखा ही होगा कि होगा लालो फर्स्ट टाइम एजियो भाई ने देखा था उस वाले सपने के अंदर था, बट वो पर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया। तो गाइस, आप लोगों ने रिसेंट वाली वीडियो को देखा ही होगा एजियो भाई के अंदर, जिसके अंदर एजियो भाई सपने में होगा लालो को देखते हैं और डार्क एंटिटी और होगा लालो को आज़ाद होते हुए भी देखते हैं, मतलब कि एस्केप करते हुए भी देखते हैं। और आपको पता होगा सपने में जो चीज़ होता है वो सच भी हो जाता है कभी कभी, और मतलब कि एजियो भाई को सपने में ये चीज़ आ रहा है, मतलब कि कोई मायावी शक्ति एजियो भाई को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब कि उसे एस्केप करवाने के लिए खींच रहा है। और ये चीज़ हो सकता है होगा लालो, आपको पता ही होगा होगा लालो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है, मतलब कि होगा लालो उसे सपने में भेज रहा होगा कि हमारे मेरे भाइयों को आज़ाद करवाओ कहके। ये बेसिकली मेरी थ्योरी है, जो भी सच भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या एजियो भाई उसे एस्केप करवा सकते हैं या फिर नहीं। चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।